इलाही सालनि खां दादा सां मां घटि में घटि 28 साल खां लॻातार जुड़ियल आहियां, सिंधी कौंसिल ऑफ इंडिया सां जुड़ियल आहियां। मां दादा जन खे 98 साल कंटिन्यू चवां थो। पूरे ऑल ओवर इंडिया में पंहिंजे सिंधी कौंसिल ऑफ इंडिया चैप्टर ठहिया आहिनि, ठहिया आहिनि, सभु ऑफिस ठहिया आहिनि। छत्तीसगढ़ खे तव्हां वञी मां हिते छो रखियो आहे, जबकी छत्तीसगढ़ में दादा जॾहिं आया रायपुर में त हुन महिल असां 30-35 सां फाउंडर मेंबर ठहियासीं। पोइ दादा जी अॻवानी हमेशह ईंदी रहंदी। दादा मैंडेट कमीशन वाइस चेयरमैन ठहिया, केंद्र जा भारत सरकार जा राज्य मंत्री थिया, ईंदा रहंदा, सभु कुझु थींदा रहिया। असांजी रायपुर छत्तीसगढ़ बि इलाही समाज जी सोशल वर्किंग में ॾाढी एक्टिव आहे, ॾाढो नालो आहे। हमेशह हुते मिट माइट तव्हां दोस्त रहंदा हूंदा ज़रूरु, असांजा आदाणी लालाणी साहब बि वेठा आहिनि। त अहिड़ी शक्तियूं हिते रायपुर में अथव, जेको असांजे मलकाई साहब चयईं, अहिड़ी अहिड़ी शक्ति आहिनि। असां केरल में हाणे करोड़ रुपया मोकिलियो, 20-25 दिन थिया हूंदा। त असांजे प्रेसिडेंट खे बि असां रिलीफ अहिड़ो फंड हुजे, उहो पंहिंजे स्वेच्छा सां कंहिंखे बि ॾेई सघे थो। जो समाज कल्याण आहे, हिक ॿिए जी तकलीफ़ अची सघे थी, आपदा अची सघे थी, बाढ़ या आपदा आहे, प्राकृति जी आपदा आहे, हींअर असांखे करणु खपे। त मुंहिंजो हिन महिल तव्हांखे हिकिड़ी वेनती आहे, असांजे छत्तीसगढ़ में अहिड़ा सुहिणा हीरा अथव जेके दादा स्वयं सुञाणनि साक्षात, त उन्हनि खे बि तयारु कयो। असांजे रायपुर छत्तीसगढ़ में काफ़ी टाइम खां असां डिमांड कई आहे, भई प्रोग्राम कयो, प्रोग्राम या सेठ शेयर पूना में असां कयो। असांखे काफ़ी टाइम खां दादा सां 2-3 महीना पहिरियों ई चर्चा थी मोबाइल वाटी में, मां दादा खे काउंटिंग कई, मां तव्हां हे सर्चा अथव ऐं रायपुर जॾहिं चओ मां मीटिंग तव्हांजी रखायां थो, मीटिंग करायां थो, विहारियां थो, ऐं तव्हांखे जेको थियो तव्हां सां मिलंदो। हिन महिल ताईं सिंधी कौंसिल ऑफ इंडिया जो सम्मेलन ऐं मीटिंग रायपुर छत्तीसगढ़ अंदरि छत्तीसगढ़ जी राजधानी असांजी रायपुर हिकिड़ो बि प्रोग्राम न थियो आहे। रमेश मुरियाणी आयो, दादा जन जी बुक में हुयो काफ़ी टाइम खां, हाणे बि आहिनि उहे, असां सभु आहिनि। त दादा ने ठाहियो त हुन में अॼु बि हिकु मीटिंग आई आहे, छा क्वेश्चन पुछो अथई सर, माइट चयो अनेज बजाज तूं लाइ मतिलबु हीउ चयो आहे। मां तव्हां त रिकॉर्ड पसंदि आहे, ऑन द रिकॉर्ड 2017 में जब नेशनल प्रेसिडेंट सिंधी कौंसिल ऑफ इंडिया का हुआ, मैंने श्री राजधानी से डिफेंस मिनिस्टर से समय मांगा था और डेलीगेशन के साथ हम उनसे मिले थे, अपनी मांगी रखी थी, उन्होंने सहानुभूति विचार करने के लिए कहा था। तो हमें जैसे सबको अपने यहाँ पे जमीनें हैं, हर कौम के लिए अपने भवन है, पंजाब है, गुजरात है, आंध्रा का है, हर स्टेट के हैं, हम लोग का स्टेट नहीं है। तो हम लोगों को अपनी आवाज के लिए, हम सिंधियों की प्रेजेंटेशन के लिए, हम लोग आवाज के लिए सिंधु भवन दिल्ली में चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने सहानुभूति पर देने के लिए वादा किया है। उम्मीद करते हैं कि वो अपने वादे पे हमको जमीन देंगे। धन्यवाद। आपसे एक और भी उन्होंने, जैसे आप बता रहे हैं, वादा किया था गृह मंत्री ने कि सिंधु लैंड जैसे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का, इसके अलावा हमने उससे अलग से 5,000 एकड़ जमीन किसी पवित्र नदी के किनारे, जैसे नर्मदा नदी के किनारे, और उस लैंड को जिसकी कनेक्टिविटी रेल और रोड द्वारा कैपिटल से हो, वैसी जगह हमने मांगी थी जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के सिंधी, इंडिया के अलावा वर्ल्ड के सिंधी, हम अगर इस देव की वहां झूलेलाल का मंदिर स्थापित करें तो सभी लोग वहां आके और वो उसके दर्शन कर पाए, हमने मांगी थी। उसमें भी उन्होंने विचार पूर्वक, बहुत सार्थ विचार पूर्वक देने के लिए बात कही थी। उसके लिए चीफ मिनिस्टर MP से बात करने की बात थी और वो हम कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि गवर्नमेंट उसको भी हमारी मांगे वो मांगेगी। धन्यवाद। का गठन हुए 20 साल हो गए, 20 साल से हम मुसलसल अपने कार्यक्रम करते रहे हैं। हमारे अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं। सबसे पहला कार्यक्रम ये था कि हमने सिंधी जो पाकिस्तान में है, सिंध में, उनके साथ हिंदुस्तान में जो सिंधी हैं उनका नाता जोड़ा जाए भाषा के माध्यम से, ताकि सिंधी भाषा बरकरार रहे। सिंधी भाषा के उपन्यास लिखने वाले, पुस्तक लिखने वाले, कविताएं लिखने वाले जो सिंध में हैं उनकी किताब यहाँ पढ़े जाएं, और हमारे यहाँ जो राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, और हमारे यहाँ जो कलाकार हैं, जो संगीतकार हैं, उनकी जो संगीत की जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो सिंध में हम पेश कर सकें। इस मकसद से हमने सिंधी काउंसिल ने, सिंधी एकेडमी दिल्ली और नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, इन सबको जोड़ के एक, हमने हमारा जो डेलीगेशन, हम सिंध लेके गए थे,
और सिंध से आए हुए डेलीगेशंस का हमने यहां स्वागत करके सारे हिंदुस्तान में हमारे अलग अलग रीजन्स में उनका स्वागत किया था और वहां सेमिनार्स, सिंपोजियम्स, कविताएं और मुशायरे और संगीत के हम कार्यक्रम आयोजित किए थे और इसको बहुत सराहा गया। उसके बाद हमने पार्लियामेंट के अंदर हेमू कालानी के स्टैच्यू का अनावरण अटल जी से करवाया, जिसकी हमें परमिशन मिली थी, सिंधी काउंसिल ने यह हासिल किया। उसके बाद हमारे जो विदेशों के साथ जो सिंधी हैं वहां जाके हमारे कार्यक्रम करके सिंधी काउंसिल ने दुबई में, हांगकांग में, इंडोनेशिया में और मलेशिया में और उसके अलावा अमेरिका में अपने जो कार्यक्रम आयोजित किए। लास्ट हमारा जो इंटरनेशनल कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ था, जिसमें हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं वो उस वक्त मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने वहां चीफ गेस्ट थे और आडवाणी जी उस वक्त यहां पर थे, वो भी हमारे उस फंक्शन में आए हुए थे। तो हमारा जो फंक्शन जो सिंधी काउंसिल का जो रहा है, एक ही डिमांड रही है कि बाहरी लोगों को यहां टेंपल दिया गया है दिल्ली में जो लोटस टेंपल है, फिर जो दूसरे लोगों को अक्षरधाम दिया गया है, 30 एकड़ की जमीन दी गई है, वो एक गुजरात का छोटा समुदाय है बनी बड़ीकों का, उनको मिला हुआ है। सिंधियों को अपने वे टेंपल के लिए जगह अभी तक सरकार ने नहीं ली है। अगर हमारे झूलेलाल साईं का टेंपल वहां बनना चाहिए, ये बना नहीं है। और हमें अगर हम सिंध स्टेट होते, जैसे हम हमारी जो नेशनल एंथम है उसमें कहते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, तो सिंध हमारी सबके जहन में है, हम यहाँ सिंधी लोग हैं, अपने पुरुषार्थ से हम लोगों ने मेहनत करके इतना कमा के हम आगे बढ़े हैं और हम सरकार को इतने टैक्सेस देते हैं, हम कमाऊ बेटे हैं और उसके बावजूद हमें सिंधु भवन नहीं मिला। हम अगर सिंध प्रदेश होते तो हमें सिंधु भवन मिलता। आज जो पीएलओ जिनका देश नहीं है उनको सरकार ने दिल्ली में एम्बेसी दी हुई है, लेकिन हम सिंधियों को सिंधु भवन देने से वो कोई न कोई प्रकार से अवॉइड कर रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि हमें सिंधु भवन मिलना चाहिए, हमारी डिमांड ये है कि झूलेलाल टेम्पल के लिए हमें दिल्ली में जमीन मिलनी चाहिए, हमारी डिमांड है कि हमारे जो सिंधी लोग जो रेफ्यूजी कॉलोनीज में आज भी रहते हैं, जिनका विकास नहीं हुआ है, उनके विकास हेतु हमें एक जो डेवलपमेंट फंड मिलना चाहिए, तो सिंधु डेवलपमेंट फंड मिलना चाहिए। और ये हमारे जो हम जो टैक्स देते हैं उसका 80% जिस स्टेट्स में हम रहते हैं उनकी स्टेट गवर्नमेंटों को जाता है, लेकिन हमारी वो स्टेट गवर्नमेंट हम पे खर्च नहीं करती है, वो खर्च औरों पे करती है। तो हमारा खर्च सरकार ने करना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट ने करना चाहिए और हमारी तरफ हम इस बातों को की तरफ हम उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ये आज की एजीएम में यही बातें डिस्कस हुई।